नमस्ते, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम मथुरा के पेड़े बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, यही है मथुरा का पेड़े। इसे बनाने के लिए हम एक कटोरी आटा लिए हैं, एक कटोरी चीनी लिए हैं। चीनी को हम मिक्सी में पीस लिए हैं। अब कढ़ाई को हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे और बिना घी का इसे हम भूनेंगे। कुछ देर तक इसे इसी तरह से भूनते रहेंगे। लो फ्लेम पर ही भूनना है। तेज पर भूनिएगा तो आटा जल जाएगा। इसी तरह से भूनते रहेंगे। अब इसमें हम घी डालेंगे। घी भी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। डालते जाएंगे, इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे, भूनते रहेंगे। लो फ्लेम पर ही सब काम होगा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है मथुरा के पेड़े, बहुत ही टेस्टी। फिर अभी इसमें हम घी डालेंगे। थोड़ी थोड़ी देर भूनते रहने के बाद घी डालते रहना है, जब तक कि ये पूरी तरह से गीला न हो जाए। देखिए, इस तरह से आटा में घी सब मिक्स होते जा रहा है। अब देखिए, ये भुना गया है। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। जब दूध मिलाएंगे हम ना, मिल्क पाउडर जब मिलाएंगे तो गैस को बंद कर देंगे। तो अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे। ये देखिए, हमारा दूध मिल गया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिए हैं अब हम। देखिए, अब इसमें हम चीनी डालेंगे। एक कटोरी जो चीनी हमने पीस के रखा था, वो थोड़ा सा चीनी बचा कर रखेंगे पेड़ा को, उसमें लास्ट में जब पेड़ा हम बनाते हैं ना, तो इसी में उसको लपेटते हैं चीनी में। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। ऐसे ठंडा हो जाएगा ना, तब पेड़ा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म रहे तो हम पेड़ा बनाएंगे। देखिए, इस तरह से पेड़ा बनाते हैं। शेप देखिए, इस तरह से ये मथुरा का पेड़ा का शेप इसी तरह का होता है। इसी तरह से हम बनाएंगे। देखिए, अब चीनी में इसे हम कोट कर लेते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप लोग भी इस तरह से बनाइए और बना कर देखिए और खाइए, तब कहिएगा कि हाँ, हम सच बोल रहे हैं या नहीं। बहुत ही टेस्टी लगता है। अब बनाने में भी कोई मेहनत है नहीं, कोई ऐसा सामान नहीं है जो घर में, मतलब नहीं, हर घर में तो आटा और चीनी और घी तो होता ही है, तो ये आसानी से बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो नए हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देखिए, इस तरह से बनाते जाना है और चीनी में लपेट लपेट के रखते जाना है। अच्छी तरह से देख लीजिए। वैसे तो हम एक ही पेड़ा बनाते और सारा दिखा देते, लेकिन आप लोग को दिखाने की वजह से हम बनाते जा रहे हैं, दो चार और बना लेते हैं। देख लीजिए, अब चीनी में इसी तरह से कोट करके रखेंगे। अब इसी तरह से सारे पेड़ों को हम बनाकर देखिए रख लिए हैं। देखिए कितना देखने में अच्छा लग रहा है। देखिए, तोड़ के हम दिखाते हैं। एकदम सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। एक बार आप लोग ज़रूर मेरे तरीक़ा से एक बार मथुरा का पेड़ा बनाइए। बाज़ार का मिठाई खाना भूल जाएंगे आप लोग।